मॉर्निंग एवरीबॉडी. मीटिंग्स ये टॉपिक चल रहा है हमारा, राइट. मीटिंग्स टॉपिक में अभी तक हम लोगों ने एजेंडा देख लिया है. यस, व्हाट वाज एजेंडा, क्या मतलब था उसका. मीटिंग में, आने वाली मीटिंग में, होने वाली मीटिंग में क्या विषय, क्या मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन लोग प्रेजेंट रहने वाले हैं, कहां पर होगी मीटिंग, कब होने वाली मीटिंग, राइट. प्लस जो लोग प्रेजेंट रहने वाले मीटिंग में उनका रोल क्या रहने वाला है फॉर दैट मीटिंग, कौन किस विषय पर बात करेगा, कितने टाइम के लिए बात करेगा. ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी आर शेयरिंग, वी आर डॉक्यूमेंटिंग इन अ फॉर्मेट कॉल्ड एज ATR. यस, तो ये पहला डॉक्यूमेंट देखा था हम लोगों ने, पहला फॉर्मेट देखा था, विच वॉज एजेंडा फॉर मीटिंग, जो ऑब्वियसली मीटिंग से पहले बन गए. ये याद है सब लोगों को. फॉर्मेट फटाफट देख लेंगे एक बार, क्या फॉर्मेट था. ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, किस बात के लिए, किस विषय के लिए हम लोग मीटिंग ले रहे हैं, जो हमको क्वेश्चन में मिलने वाले. एक सेंटेंस में हम लोग ऑब्जेक्टिव लिखेंगे. उसके बाद डेट, डेट का फॉर्मेट, आज डेट है 8 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर पूरा कॉमा 2021. यस, फिर टाइम ऑफ द मीटिंग, मीटिंग कब अपन लेने वाले हैं वो टाइम, 9 बजे 10 बजे 11 बजे, सिंपल बात एकदम. फिर उसके बाद लोकेशन ऑफ द मीटिंग, नहीं मालूम रहेगा तो कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग रूम, सिंपल एकदम. उसके बाद मीटिंग, कुछ समझा नहीं, एजेंडा आइटम, फॉर्मेट में देखो एक बार, अटेंडीज, वो तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में आने वाला है. अभी अपना डायरेक्ट एजेंडा आने वाला है, या तो उसको टैबुलर फॉर्मेट में दे देंगे या बुलेट पॉइंट वाइज दे सकते हैं, जिसमें टॉपिक, फिर प्रेजेंटर या स्पीकर और उसको दिया हुआ अलॉटेड टाइम रहने वाला है. सिंपल बात है एकदम. 4-8 पॉइंट जितने भी आपके स्पीकर से, वो हिसाब से एजेंडा बनेगा. और एंड में रिकॉर्डेड बाय सेक्रेटरी और समवन ऑफ दैट डेजिग्नेशन, और फिर ये आपका एजेंडा फॉर द मीटिंग हो जाता है. फिर मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, मीटिंग एक्चुअली हो जाता है. मीटिंग में जैसे एजेंडा में तय किया गया था, वैसे सारे लोग बातें करते हैं, अपने अपने व्यूज, सॉल्यूशंस, एनालिसिस, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन आंसर सेशंस, सब चीजें, वोट ऑफ थैंक्स वगैरह मीटिंग के अंदर हो जाता है. तो उसके बाद एक रिपोर्ट बनता है, डॉक्यूमेंट बनता है, जिसका नाम है मिनट्स ऑफ मीटिंग, विच इज बेसिकली रिकॉर्डिंग व्हाट हैज हैपेंड इन द मीटिंग. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम में आने वाली चीज है. जनरली मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर करता है कोई, तो भी जूनियर जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका कोई असिस्टेंट होगा, सेक्रेटरी होगा, कोई जूनियर होगा, वो ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है. ये याद है सब लोगों को, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, फ्यूचर रेफरेंस के काम में आने वाले. मिनट्स ऑफ मीटिंग का क्या फॉर्मेट है, डेट, डेट का एक डॉक्यूमेंट बनाने का, जब मीटिंग लिया था, आगे लोकेशन, फिर टाइम ऑफ द मीटिंग, फिर अटेंडीज या पीपल प्रेजेंट, नाम, डेजिग्नेशन दे सकते हैं हम लोग, आगे एजेंडा फॉर द मीटिंग, जो ऑब्जेक्टिव है, जिस लिए हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, अरेंज किया था, वो हम लोग एक सेंटेंस में वहां पर लिखेंगे. उसके बाद फिर हमारा कंटेंट, पॉइंट वाइज हर स्पीकर ने क्या बात बोला था, एक सेंटेंस, हर एक स्पीकर का एक सेंटेंस, इसने ये प्रॉमिस किया, इसने ये हाईलाइट किया, इसने ये सॉल्यूशन बताया हमें, सॉल्यूशन दिया, इसने ये डेडलाइन डिसाइड करके दिया हम लोगों को, टारगेट बताया हम लोगों को. जो भी प्रेजेंटर्स हैं वो अपने अपने बातें एक सेंटेंस में हम लोग उनके बारे में देने वाले हैं. जनरली वी विल एंड विद अ क्वेश्चन आंसर सेशन एंड अ वोट ऑफ थैंक्स एंड लास्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट टू बी प्रेजेंटेड बाय. 8 दिन 10 दिन 15 दिन का टाइम हम लोग दे सकते हैं, सिंपल एकदम. उसके बाद प्रिपेयर्ड बाय अगेन दैट सेक्रेटरी वगैरह रहने वाले. यहाँ पर हमारा एजेंडा खत्म हो जाता है अभी, सॉरी, यहाँ पर हमारा मिनट्स ऑफ मीटिंग खत्म हो जाता है. मिनट्स ऑफ मीटिंग हमने कंप्लीट किया बाय सेइंग दैट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट विच इज एक्शन टेकन रिपोर्ट. एक्शन टेकन मतलब मीटिंग में की गई बातें, डिसाइड किए गए गोल्स पर हमने क्या एक्शंस लिए हैं. मीटिंग होने के 10 दिन 15 दिन बाद तक हम लोगों ने उन विषयों पर, उन मुद्दों पर क्या क्या एक्शन, वेरियस डिपार्टमेंट जो भी उसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने क्या क्या एक्शंस लिए हैं, तो ये रिकॉर्ड करना बिकम्स माय एक्शन टेकन रिपोर्ट. यस और नो, सिंपल बात है क्या, नहीं है, इजी एकदम. इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्या,
क्यों? फॉलोअप हो रहा है क्या? स्टेटस पता चल रहा है क्या हमको? हमको स्टेटस पता चल रहा है कि हमारा काम कहां तक पहुंचा है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल तेजस सर कि अगले 1 month में आपका अकाउंट्स का सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए। ये हमने मीटिंग किया सब डायरेक्टर्स ने मिलके, तेजस सर वाज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, वन ऑफ द डायरेक्टर्स, एंड वी डिसाइड कि अकाउंट्स का सिलेबस एक महीना संपला पाइजे। 8 दिन 10 दिन के बाद मैं तेजस सर से वो रिपोर्टिंग ले सकता हूँ क्या, कहां तक आया सिलेबस? उससे मुझे फेयर आइडिया मिलेगा क्या कि काम प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेडलाइन तक मीट हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, तो एक्शन टेकन रिपोर्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा, उसका मेंशन करेंगे तेजस सर कि मैंने 2 घंटा पढ़ाना एक्स्ट्रा चालू कर दिया, संडेज को भी एक्स्ट्रा लेना चालू कर दिया, व्हाटएवर, कि बाबा 20% ऑफ द वर्क हैज बीन डन, 50% ऑफ द वर्क हैज बीन डन, एक्शन टेकन। आपने बताया था कि 30 दिन में काम होना चाहिए, 10 दिन 15 दिन में 40% काम हो गया है, तो ये हमको स्टेटस बता रहा है क्या नहीं बता रहा है? एक्शन टेकन रिपोर्ट में यही बात होता है कि जो भी बातें हमने ऊपर डिसाइड की थी उनका स्टेटस क्या है, नॉट नेसेसरीली कि हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग में 10 पॉइंट्स लिखे थे तो वो 10 के 10 यहां पर मेंशन करने, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। 3-4 सेंटेंसेस में आपका एक्शन टेकन रिपोर्ट कंप्लीट हो सकता है, उसमें भी ज्यादा आपको बात करना नहीं। हमने जो भी गोल्स डिसाइड किए हुए, जो भी टारगेट्स रखे हुए, जिन जिन को जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए, वो उनके बारे में सिर्फ बताया जाएगा कि यार द सेल्स टीम हैज स्टार्टेड हायरिंग पीपल। याद है एक एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया था कि अपने को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो ज्यादा सेल्स के लिए लोग लगेंगे कि नहीं लगेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज स्टार्टेड, सेल्स टीम हैज स्टार्टेड हायरिंग पीपल, तो एक्शन टेकन है क्या नहीं? वो एक्शन टेकन है तो उसका रिपोर्ट में आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए? दैट बिकम्स योर एक्शन टेकन रिपोर्ट। अपन ने डिसाइड किया था कि 100 रुपए अपन अलॉट करने वाले ये प्रोजेक्ट के लिए, तो 30 रुपीज हैज ऑलरेडी बीन अलॉटेड फॉर द प्रोजेक्ट, यस और नो, एक्शन टेकन है क्या नहीं? भाई 100 रुपए आपने बोले थे मिलेंगे हमको काम करने के लिए नए प्रोजेक्ट पे, 30 रुपए हमको मिल चुके, तो दिस इज द एक्शन टेकन। वो रिपोर्ट बनाना जरूरी है क्योंकि वो रिपोर्ट हमें स्टेटस बताता है कि काम कितना हुआ है, कहां तक हुआ है, मिनट्स में जो डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंगली काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। सिंपल एकदम, डाउट है किसी को इसमें, कॉन्सेप्ट समझ में आया है? क्वाइट पॉसिबल एजेंडा मिनट्स ATR साथ में आ जाएगा, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मेट पता है, लिमिटेड बात करनी है, ऑलमोस्ट ऑलवेज यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, 4 मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे, 1 मार्क भी कट नहीं होगा इस क्वेश्चन के अंदर, 5 में से 5 नहीं देते इंस्टीट्यूट, तो हम 4 को ही मैक्सिमम पकड़ के चलते हैं। यू कैन ऑलमोस्ट एवरी टाइम गारंटी योरसेल्फ 4 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, हार्डली 7-8 मिनट अपने को लगने वाले, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, दिमाग चलाने का काम बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, फॉर्मेट है, मुद्दा दिया गया है उस मुद्दे से रिलेटेड ही बातें होने वाली, नहीं कुछ बातें होने वाली है क्या? कोई बातें नहीं होने वाली। ATR तो और छोटा है, आप देखते जाएंगे तो आपका एजेंडा थोड़ा ज्यादा बड़ा है, उसके बाद मिनट थोड़ा छोटा है, उसके बाद ATR तो और भी ज्यादा छोटा है, हार्डली 1-1.5 पेज उससे ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला, वो भी फॉर्मेट है, पेपर भरना नहीं है, फॉर्मेट है उसमें, तो फॉर्मेट में और ज्यादा कम टाइम लगता है लिखने के लिए। क्लियर है सब लोगों को? चलो ATR का एक फॉर्मेट देखेंगे फटाफट, फिर उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। हियर इज योर एक्शन टेकन रिपोर्ट, ध्यान देंगे यहां पर, एक्शन टेकन रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट कंपाइल्ड फ्यू डेज आफ्टर अ मीटिंग स्टेटिंग द वेरियस एक्शंस टेकन एज पर द डिस्कशंस मेड। मैंने डिस्कशन किया था कि 1 महीने में भाव टारगेट खत्म होना चाहिए, 10 दिन के बाद मैं स्टेटस ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, तो दैट डॉक्यूमेंट बिकम्स माय एक्शन टेकन रिपोर्ट। ATR मस्ट, अभी ये ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, मस्ट ऑलवेज बी सबमिटेड आफ्टर गैप ऑफ अबाउट 5 to 7 days और मोर आफ्टर द मीटिंग, सो दैट इट गिव्स अस अ फेयर आइडिया कितना काम हुआ है। दिस गिव्स अप्रोप्रिएट टाइम फॉर एक्शंस टू बी टेकन एंड द मैटर टू बी डिस्कस्ड और स्टेटस और स्टेटेड इन अ फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट, इन अ फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल बाय चांस 10 दिन के बाद तेजस सर मुझे ATR सबमिट करते हैं कि सिर्फ 10% ही सिलेबस खत्म हो पाया है, कितना सिलेबस खत्म हो पाया है? सिर्फ 10%। सो दिस गिव्स मी अ फेयर आइडिया कि रिसोर्स कम पड़ रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ेगा क्या नहीं, मैं अभी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ चेंज लाना पड़ेगा क्या नहीं, मुझे उसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा क्या नहीं देना पड़ेगा, मुझे कुछ टाइम टेबल के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे क्या नहीं लेना पड़ेंगे, तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया जहां पर मैंने स्टेटस चेक किया,
इसलिए एटीआर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया सबको? चलो फॉर्मेट लिखेंगे हम लोग, फॉर्मेट ऑफ एटीआर। चलो फटाफट लिखेंगे फॉर्मेट, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, कुछ भी नहीं लिखना है हम लोग को फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट ऑफ एटीआर, जस्ट अ मिनट, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में यू विल स्टार्ट बाय राइटिंग द डेट। जिस दिन आप एटीआर प्रिपेयर कर रहे हो वो डेट, आज प्रिपेयर कर रहे हो तो 8 अक्टूबर, 2021, 8 अक्टूबर, 2021, द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द एटीआर। एटीआर ये डॉक्यूमेंट मिनट्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं है तो उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। देखो ये सेंटेंस हमेशा लिखना है अपने को, ध्यान दो इस सेंटेंस के ऊपर, कॉपी करेंगे इस सेंटेंस को। एज पर द मीटिंग हेल्ड ऑन 5th ऑफ डिसंबर, या जो भी आपका डेट था जिस दिन मीटिंग हुआ था, एज पर द मीटिंग हेल्ड ऑन सो एंड सो डेट, ये सेम सेंटेंसेस लिखना है, सेंटेंस लिखना है एज पर द मीटिंग हेल्ड ऑन डैश डैश डेट, क्योंकि दिस मीटिंग इज योर रेफरेंस, तो वो लिखना पड़ेगा। ये एटीआर कौन से मीटिंग के ऊपर बनाया गया है, कौन से मीटिंग की बातें इस एटीआर में करनी है हमें। एज पर द मीटिंग हेल्ड ऑन सो एंड सो डेट, आपका मीटिंग किसी एक डेट पर हुआ था वो डेट यहां पर मेंशन करना है। तुमची मीटिंग झालेली डेट इथं लिहायची आहे आपल्याला, एज पर द मीटिंग हेल्ड ऑन सो एंड सो डेट, एट लोकेशन डैश डाल के लोकेशन लिख दीजिए। कहां लिया था मीटिंग अपन ने? मीटिंग रूम, यस और नो? एट द मीटिंग रूम ऑफ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उस केस में वो कोई कॉलेज था अपना, है ना, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, राइट? तो उसका नाम आएगा यहां पर। एज पर द मीटिंग हेल्ड ऑन 6th of October 2021 एट द मीटिंग रूम ऑफ सो एंड सो इंस्टीट्यूट, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं फॉर्मेट में क्या लिखना है। फॉलोइंग एक्शंस हैव बीन रिपोर्टेड, बस फॉलोइंग एक्शंस हैव बीन रिपोर्टेड, यही सेंटेंस आपको लर्न करना है। एज पर द मीटिंग हेल्ड ऑन प्रीवियस डेट, जो भी मिनट मीटिंग का डेट था, कहां पर लिया था? एट द कॉन्फ्रेंस, एट द मीटिंग रूम, कौन से ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम। फॉलोइंग एक्शंस हैव बीन टेकन या फॉलोइंग एक्शंस हैव बीन रिपोर्टेड, उसके बाद 3 से 4 आपके बुलेट पॉइंट्स रहेंगे, नॉट मोर देन दैट, 3-4 पॉइंट से ज्यादा बात नहीं करना है। बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 बुलेट डालेंगे, नंबर डालेंगे, जो भी रहेगा, हर एक के बाद लाइन लीव करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद नीचे जैसे वो 4 या 3 पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं, आपका एटीआर खत्म हो गया, बताऊंगा मैं वो पॉइंट में क्या लिखना है। फिर फॉर्मेट पहले कंप्लीट कर लेते हैं, यहां पर सिग्नेचर, यहां पर नेम, यहां पर डेजिग्नेशन, द पर्सन सबमिटिंग द एटीआर, नेम, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के बाजू में कंपनी का नाम, नहीं लिखा तो भी चलता है कंपनी का नाम, लेकिन नेम एंड डेजिग्नेशन आना है। ये किसका नाम और डेजिग्नेशन आएगा? द पर्सन सबमिटिंग द एटीआर या प्रिपेयरिंग द एटीआर, ये उसका नाम और डेजिग्नेशन आएगा। अभी हमारे वाले एग्जाम्पल में कमल कपूर अंकल मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे? तो एटीआर प्रिपेयर करने का भी जिम्मेदारी उनका हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा? क्योंकि ही वाज गिवन द रिस्पांसिबिलिटी टू चेंज द सिलेबस या वगैरह, वो कन्वीन करने का रिस्पांसिबिलिटी उनको दिया था, तो उनको स्टेटस लेना पड़ेगा, येस और नो। तो वो बनाने वाले एटीआर कि बाबा मैंने मीटिंग लिया है, इतने लोगों से बात कर लिया है, नाउ 8 दिन 10 दिन के बाद मैं स्टेटस ले रहा हूँ और ये स्टेटस मैंने प्रिपेयर करके रखा। सिंपल बात है, पहले फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या है? फॉर्मेट में सबसे पहले लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एटीआर, आपके मीटिंग से 8-10 दिन के बाद आप एटीआर लेने वाले हो। ध्यान रखना है सीक्वेंस, क्वाइट पॉसिबल
एजेंडा एमओएम और एटीआर साथ में आएगा। तो एजेंडा का डेट पहले आएगा यस और नो। फॉर एग्जांपल 2 तारीख को आपने एजेंडा प्रिपेयर किया है, 3 या 4 तारीख को आपका मीटिंग रहेगा, हाँ या ना? तो मीटिंग का डेट 3 या 4 तारीख जो एमओएम में आएगा। फिर उसके बाद एटीआर बनेगा, तो एटीआर 10, 12, 15 तारीख के आसपास बनेगा क्या नहीं बनेगा? डेट में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये याद रखेंगे सब लोग। कभी भी एजेंडा पहले बनता है फिर एमओएम बनता है मीटिंग वाले दिन, उसके बाद एटीआर 10 से 12 दिन बाद बनता है। क्वाइट पॉसिबल तीनों क्वेश्चन एक साथ एक क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, तो डेट में मिस्टेक नहीं, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये समझ में आया फॉर्मेट में? सबसे पहले लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर आपका डेट रहेगा, एक लाइन छोड़ेंगे, एज पर द मीटिंग हेल्ड ऑन डैश डैश डेट एट लोकेशन जहां पर भी, कॉमा, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम। The following actions taken were reported. हमेशा सेम सेंटेंस लिख कर आना है, दूसरा कुछ नहीं लिखना है। ये समझ में आया? उसके बाद 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स, उसके बाद नेम, डेजिग्नेशन, सिंपल खत्म। जो पर्सन सबमिट कर रहा है एटीआर, उसका नाम, उसका सिग्नेचर, उसका नाम, और फिर उसके बाद उसका डेजिग्नेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अभी ध्यान देंगे यहां पर पॉइंट्स क्या लिखने हैं वो ध्यान देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन है जहाँ पर कुछ मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीटिंग हुआ हुआ है, अभी उन्होंने एटीआर प्रिपेयर कैसे किया हुआ है वो देखो, समझ में आ जाएगा। द क्लाइंट हैड कंप्लाइड टू डिलीवर द गुड्स बाय 4th of December, ये हमारा एमओएम में डिसाइड हुआ रहेगा कि भाई 4 दिसंबर तक हम कंप्लाई करेंगे, काम खत्म करेंगे। स्टेटस सामने दिया हुआ है वर्क डन, ये स्टेटस है हा या ना? एक सेंटेंस में समझ में आ गया जो काम डिसाइड किया था झाला है का ना झाला है, यस और नो? आगे कितना सिंप्लीफाई किया जा रहा है वो देखो, डॉक्यूमेंट सिंप्लीफाई हो रहा है, आपका काम भी सिंप्लीफाई हो रहा है। द क्लाइंट हैज आस्क्ड फॉर मोर टाइम फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 600 kV टर्बाइन, एटीआर में सिर्फ बोला है कि यार आस्क फॉर मोर टाइम, बस ये स्टेटस है। ये अगला जो भी इनका इंस्टॉलेशन रहेगा उसके लिए क्लाइंट ने और ज्यादा टाइम मांगा है। द ऑर्डर हैज बीन रिटेन एंड द क्लाइंट्स प्रपोजल हैज बीन अग्रीड टू, मतलब हमने ये ऑर्डर रिटेन कर लिया कि इतना टाइम हम दे सकते हैं, वी आर अग्रीइंग टू दिस। ये आपका स्टेटस है, ये आपका एटीआर है। फॉर एग्जाम्पल अभी इसको बाजू में कर देते हैं, हमारा वाला क्वेश्चन क्या था जहां पर कमल कपूर अंकल सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाकर मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे, बिकॉज ही वॉन्टेड टू चेंज द सिलेबस ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेक होल्डर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, पब्लिशर्स, यस और नो? मीटिंग हो गया, मीटिंग में सबने अपने अपने इनपुट्स दिए, फिर क्या डिसाइड हुआ कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगला एटीआर 15 दिन बाद लेने वाले हैं एंड हम लोग सिलेबस कब तक चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगले एकेडमिक ईयर तक, अगले क्वार्टर तक हम लोग सिलेबस चेंज करेंगे। 15 दिन बाद अगर हम मिल रहे हैं, एटीआर बना रहा हूं मैं कमल कपूर, तो मैं क्या बताऊंगा कि बाबा स्टूडेंट्स के सारे सजेशंस जो है या चेंजेस जो है वो कंपाइल हो चुके हैं, एक जगह पे आ चुके हैं, यस और नो? पब्लिशर्स को सारा का सारा नया स्टडी मटेरियल दिया जा चुका है, यस और नो? स्टडी मटेरियल दिया जाने के बाद पब्लिशर्स ने 2 महीने का टाइम मांगा है, यस और नो? सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अपने को आसपास में क्या चल रहा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हुए वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैव सबमिटेड द रिपोर्ट। स्टेटस है क्या नहीं है ये, उन्होंने जो भी बातें कही उसका एक रिपोर्ट बनाकर जो भी उनको पॉइंट्स है चेंजेस करने के लिए वो उन्होंने आपको सबमिट कर दिया, स्टूडेंट्स ने अपने सजेशन सबमिट कर दिए है, टीचर्स ने उन सजेशंस को अपने सिलेबस के अंदर इनकल्केट डाल दिया है, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है, राइट? टीचर्स को और 2 महीने का टाइम चाहिए, पब्लिशर्स को और 3 महीने का टाइम चाहिए, फर्स्ट प्रिंट हमें 15 डेज में आने वाला है, ये बातें कर सकते क्या नहीं कर सकते अपन? फर्स्ट प्रिंट आएगा ड्राफ्ट बोलकर उसको चेक कर सकते क्या नहीं कर सकते? ये बातें हैं। 3 या 4 पॉइंट्स दिए, मैंने 7-8 पॉइंट जानबूझकर बताए कि आपको समझना है इतनी बातें हम लोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारी की सारी करनी है, जरूरी नहीं कि यही करनी है, अपने टॉपिक से रिलेटेड बातें करनी। टॉपिक क्या है कि बाबा नया सिलेबस आना चाहिए, तो उसमें सजेशंस आने वाले हैं, चेंजेस आने वाले हैं, उसका ड्राफ्ट बनने वाला है, अप्रूवल होने वाला है, कंपाइलेशन होगा सारे के सारे चीजेस का, तो उसका रिपोर्ट बनने वाला है, सिंपल।
ये समझ में आया है सबको? किसी को डाउट है? लाइव स्ट्रीमिंग, चलिए वी आर गोइंग टू कंपाइलर एटीआर, एक एटीआर बनाएंगे हम लोग। रुको, क्वेश्चन के पास जाते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन है, मैनेजिंग कमिटी ऑफ भारत शिक्षा इंस्टीट्यूट, सेम क्वेश्चन। मिस्टर कमल कपूर द डीन अलोंग विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, इसी का हमने एजेंडा बना लिया है, मिनट्स ऑफ मीटिंग बना लिया है टुडे। सबमिट एन एक्शन टेकन रिपोर्ट टू द मैनेजिंग कमिटी। ध्यान दो अभी यहां पर, हम लोग किसको सबमिट कर रहे हैं? मैनेजिंग कमिटी को। मैनेजिंग कमिटी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया हुआ था? कमल कपूर को। तो एटीआर कौन प्रिपेयर कर रहा है? समझ में आया आपको? स्टार्ट में मैं ऑलरेडी पहले ये बात बोल चुका हूं। यस, सबमिट एन एक्शन टेकर रिपोर्ट टू द मैनेजिंग कमिटी। तो द एक्शन टेकर रिपोर्ट वुड बी कंपाइल्ड या प्रिपेयर्ड बाय मिस्टर कमल कपूर। क्लियर है? कंटिन्यू करेंगे हम लोग। चलो लिखेंगे, यही क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। एक ही क्वेश्चन में हमने एजेंडा, मिनट्स ऑफ मीटिंग और उसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट भी कंपाइल कर लिए। चलो, इजी था एटीआर? ज्यादा कुछ लिखना है क्या? अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन स्टार्ट से देखो, एजेंडा, एमओएम और एटीआर। बहुत ज्यादा लिखने का काम है क्या? तीनों के फॉर्मेट देखो, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी है क्या? कुछ भी नहीं। आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली बताया गया है कि आप क्या बात करने वाले हो, किन लोगों को मीटिंग में बुलाने वाले हो। सेल्स वाला अगर मीटिंग में आ रहा है तो सेल्स की बात करेंगे, प्रोडक्शन वाला मीटिंग में आ रहा है तो प्रोडक्शन के प्रॉब्लम्स बताएंगे, प्रोडक्शन का एक टारगेट बताएगा या उसको प्रोडक्शन का टारगेट दिया जाएगा। सिंपल बात है क्या? नहीं। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वाले लोग आते हैं तो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी देने वाले हैं। सिंपल बात है क्या? नहीं है। एजेंडा में, मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है, वोट ऑफ थैंक्स देने वाले है, स्टार्ट में इंट्रोडक्शन रहने वाला है एजेंडा के अंदर। यस और नो? बहुत बेसिक चीज है, ज्यादा कुछ क्रिएट नहीं करना है। प्रोडक्ट्स चेंज होंगे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें प्रोडक्ट क्या था? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सिलेबस वॉज द प्रोडक्ट। हो सकता है अगले कोई ऑर्गेनाइजेशन में हमको नया प्रोडक्ट लॉन्चिंग का बात मिले, हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स के टारगेट नहीं अचीव हो पा रहे उसका बात मिले, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमको मर्जर का, एक्विजिशन का बात मिले। वो प्रोडक्ट चेंज होने वाला है, बातें वही रहने वाली, डेजिग्नेशन पोस्ट वही रहने वाले हैं, एक डिपार्टमेंट का काम हमेशा वही रहने वाला है, तो वो बातें उसकी करने वाला है। सिंपल बातें क्या? नहीं है। इसलिए ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज लॉट्स ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन के तरफ से बहुत क्लैरिटी है, अभी आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं, उसको उस तरीके से देख पा रहे हैं या नहीं, वो आपका माइंड सेट डिसाइड करता है। इसके लिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है, इसलिए वो सीक्वेंस है, वो क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं। समझ में आया कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि क्रिएशन ज्यादा करना नहीं है हमको इसमें। एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे अभी साथ में सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग तीनों चीजें करेंगे, एजेंडा उसी का, एमओएम और उसी का एटीआर। समझ में आया सबको? पहले डिस्कस करेंगे, कुछ लिखना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है, डिस्कस करूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करना है, क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है। एवरीवन जस्ट पे अटेंशन, लाइव स्ट्रीमिंग आप लोग भी ध्यान देंगे बच्चों। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ओरली सॉल्व हो जाएगा, ऐसे ही रिवीजन भी होगा हमारा, क्वेश्चन देखकर रिवीजन हो जाएगा हमारा। आखिरी दिन बीसीआर के लिए एक घंटा देने का है, अपने कितना देने का है? एक घंटे में अपने को बहुत ज्यादा पढ़ाई करने को भी नहीं मिलने वाली है, ज्यादा टाइम भी नहीं है और ज्यादा करनी भी नहीं है। इसके लिए क्वेश्चन पढ़ के रिविजन हो जाएगा, एक क्वेश्चन देखा, बात किया, फॉर्मेट देखा, रिविजन डन, खत्म, परत भगाई गरज नहीं है। प्रिपेरेशन ऐसा होना चाहिए, हम ध्यान देंगे यहाँ पे, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का। प्रिपेयर एन एजेंडा फॉर एन इंटरनल मीटिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लोग रहने वाले हैं। सिंपल बात है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। ऑफ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, प्रोडक्ट चेंज हो गया, उधर एजुकेशन इंस्टीट्यूट था, यहाँ पर फार्मा कंपनी हो गई। फार्मा कंपनी क्या करती है?
दवाई बनाती है, मेडिकल नहीं करती, दवाई बनाती है। साइंस वालों को कॉमर्स आ जाता है, कॉमर्स वालों को कुछ नहीं मालूम साइंस के बारे में। ध्यान दो भैया, प्रिपेयर अ मीटिंग फॉर एन फार्मास्यूटिकल कंपनी, द मीटिंग वुड प्राइमरीली डिस्कस द हेवी सेल ऑफ पैरासीटामोल ड्रग। पैरासीटामोल एक दवाई है, पेन किलर है। तुम बीमार होते तो सबसे पहले डॉक्टर तुमको पैरासीटामोल देते हैं। मीटिंग वुड प्राइमरीली डिस्कस द हेवी सेल ऑफ पैरासीटामोल ड्रग, मतलब ये ड्रग का सेल क्या चालू है? बहुत ज्यादा, मतलब डिमांड ज्यादा है, हाई या ना? बाजार में इसका डिमांड ज्यादा है। आगे, एंड द इनएबिलिटी टू कोप विद द एक्सटेंसिव डिमांड एज अपोज टू अ लिमिटेड सप्लाई। इनएबिलिटी है, डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन इनएबिलिटी है। काय का इनएबिलिटी है? डिमांड पूरा करने का इनएबिलिटी है, हम लोग उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये प्रॉब्लम है या नहीं है? देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ मी कि मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट बहुत चालू है पैरासीटामोल, बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन बहुत पैरासीटामोल का सेल, डिमांड बहुत चालू है। लेकिन जितना डिमांड है उतना मैं प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा हूं, उतना मैं सप्लाई नहीं कर पा रहा हूं। तो आई हैव कॉल्ड फॉर अ मीटिंग। स्टेक होल्डर्स को ने मीटिंग में ध्यान से देखो, इंक्लूड स्पीकर्स फ्रॉम ड्रग एंड डिलीवरी डिपार्टमेंट। ड्रग एंड डिलीवरी डिस्पैच वाले लोग आ गए क्या नहीं आ गए? हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या? सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, रिसर्च टीम या मार्केट रिसर्च टीम, मार्केट में क्या चल रहा है, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, उनके पास सारे के सारे नंबर्स होंगे क्या नहीं होंगे कि मार्केट में रिक्वायरमेंट कितना है, कौन कॉम्पिटिटर कितना माल बेच रहा है, अपना अपने को कितना माल बनाकर पुराना है मार्केट के अंदर, यस और नो? बेसिक चीज देखो, अगर ये नहीं भी दिया हुआ है हमारे हमें तो भी हमको इतना जरूर पता है कि इस तरह की मीटिंग के अंदर प्रोडक्शन वाले लोग आने वाले हैं क्योंकि उनको माल बनाने का है। इसके अंदर डिस्पैच वाले मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाले लोग आने वाले क्योंकि उनको माल जगह तक पहुंचाना है। इसके अंदर रिसर्च वाली टीम आने वाली, इसके अंदर मार्केटिंग और सेल्स वाली टीम आने वाली। सिंपल बात है क्या नहीं है? हर एक का आदमी एक एक बात बोलने वाला है तो उसको एजेंडा दिया जाएगा, वो उस टॉपिक पे बात करेगा, वो मीटिंग में आ जाएगा, फिर वो अपना टारगेट सेट करेगा, वो एटीआर में आ जाएगा। हमको एज पर द सप्लाई डिमांड करने में इनएबिलिटी फेस कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वी आर कॉलिंग फॉर एन एजेंडा, सॉरी वी आर कॉलिंग फॉर अ मीटिंग, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि पैरासीटामोल का सेल पिछले 6 महीने में कितना हुआ। अभी ये लिखना नहीं है, तुमको समझा रहा हूँ कि मीटिंग कैसे होने वाली, तो एजेंडा सेट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ पैरासीटामोल ड्रग सेल यस और नो, फिर उसके बाद शायद मेरा सेल्स टीम आकर बात करेगा कि इतना इतना सेल हम लोग कर रहे हैं, मार्केटिंग टीम आकर बोलेगा कि मार्केट के अंदर डिमांड इतना चल रहा है, प्रोडक्शन टीम आकर बोलेगा कि मेरे पास लोग कम है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, रॉ मटेरियल कम आ रहा है, यस और नो? फिर बॉस बोलेगा चलो क्वेश्चन आंसर सेशन ले लो, उसके बाद बोला जाएगा कि बाबा किसको क्या इनपुट देने के अपन डिस्कस कर लेते हैं, टारगेट डिसाइड कर लेते हैं कि अगले 3 महीने के अंदर या अगले 15 दिन के अंदर 2 महीने के अंदर हम लोग नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएंगे, नई मशीनरी लेकर आएंगे, नए लोग लेकर आएंगे और ज्यादा मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा शिफ्ट में काम करेंगे हम लोग। फिर उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेगा कि प्रोडक्शन वाले ने बोला कि हम लोग प्रोडक्शन को 10% से इंक्रीज करेंगे इन द नेक्स्ट 1 मंथ, बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, वो प्रॉमिस करना पड़ेगा क्या नहीं? सेल्स वाले को, डिस्पैच वालों को अपना प्रॉमिस करना पड़ेगा, अपना प्रॉब्लम हाईलाइट करना पड़ेगा कि वी आर फेसिंग दिस इशू, कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर इतना ज्यादा माल बेच रहे, मार्केट शेयर ज्यादा है, अपना मार्केट शेयर कम हो रहा है। हम लोग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसा रखेंगे कि हम लोग हमारा प्राइस थोड़ा सा कम करेंगे ताकि फिर लोग हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा खरीद करें। और फिर उसका एटीआर बनेगा कि भाई प्रोडक्शन टीम ने नया मैन पावर, नया मशीनरी जो है वो ले लिया है, डिस्पैच टीम ने और ज्यादा चैनल सेट कर दिए हैं, रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट परचेज बहुत ज्यादा हो गया है, वी हैव इंक्रीज द रॉ मटेरियल परचेज। ये एटीआर में आएगा क्या नहीं आएगा? एकदम सिंपल, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। एक फार्मा कंपनी डिमांड को मैच नहीं कर पा रही है इसलिए उन लोगों ने एक मीटिंग बुलाया, उसके अंदर बात यही होने वाला है। प्रोडक्शन वाले चिल्लाने वाले कि बाबा हमारे पास आदमी कम है, सप्लाई नहीं है रॉ मटेरियल का, मशीन नहीं है। परचेज वाला बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा दो मैं रॉ मटेरियल लेकर आता हूँ। सेल्स वाला बोलेगा मैं ऑर्डर ला रहा हूँ, तुम्हारे पास माल नहीं है देने के लिए। डिस्पैच वाला बोलेगा माल नहीं है, मैं किधर किधर पूरा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा।
उसके ऊपर मिनट्स ऑफ मीटिंग बनेगा, उसका एटीआर बनेगा, सिंपल है एकदम। किसी को कुछ डाउट है इसमें? आपको क्वेश्चन में बोला गया है इंक्लूड स्पीकर्स फ्रॉम ड्रग एंड डिलीवरी डिस्पैच, ड्रग एंड डिलीवरी डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, नॉट नेसेसरी इनको ही लेना है, और भी एक दो लोग को ले सकते हैं, यही नाम लिखना ये भी जरूरी नहीं। ये आपको एक तरीके से हिंट दे रहे कि आपको स्पीकर्स प्रेजेंटर्स कौन से रखने हैं। प्रेजेंटर अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है तो वो अकाउंट्स के ऊपर ही, फाइनेंस के ऊपर ही बात करना है, तो आपको मुद्दा भी दिया जा रहा है, आदमी भी दिया जा रहा है, वो बात क्या करेगा वो भी दिया जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो पूरा आपको सब ब्लॉक्स में बताया गया है कि आपको यही बात करना है, बहुत इजी क्वेश्चन बना कर दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? 7-8 मिनट है, फटाफट सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग एजेंडा तैयार करेंगे। एजेंडा का फॉर्मेट याद है सबको? फर्स्ट लाइन क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्कस द इनएबिलिटी टू मैच द डिमांड ऑफ पैरासिटामोल ड्रग। ये अपना मीटिंग का एजेंडा ऑब्जेक्टिव है क्या? नहीं है। वी आर हियर टू डिस्कस हमारा इनएबिलिटी टू मैच द डिमांड ऑफ व्हाट प्रोडक्ट? पैरासिटामोल ड्रग। एक सेंटेंस लिखने का है, चलो फटाफट फटाफट लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ द मीटिंग। आज 8 तारीख है तो 10 तारीख का मीटिंग हम सेटअप करेंगे, 10th October 2021। डेट के बाद टाइम ऑफ मीटिंग 10 AM, सुबह 10 बजे मिलेंगे बाबा हम लोग। उसके बाद लोकेशन, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग रूम, दोनों में से कोई एक। ऑब्जेक्टिव, डेट, टाइम, लोकेशन, उसके बाद टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड, या हमारा एक्चुअल एजेंडा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, टाइटल, फिर प्रेजेंटर, फिर टाइम। टेबल बना लेंगे हम लोग, इजी रहेगा हमारे लिए टेबल, यस और नो। पहले कॉलम में टॉपिक, पहले सबसे पहले क्या होना है? इंट्रोडक्शन होएगा क्या? नहीं, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। फिर जो भी स्पीकर या जो भी प्रेजेंटर रहेगा वो, टेन मिनट्स, 15 मिनट्स। टैबुलर फॉर्मेट ही बनाएंगे हम लोग। सेकेंड पॉइंट हो सकता है कि डिमांड फॉर पैरासिटामोल इन द मार्केट, बराबर है क्या? नहीं, कितना डिमांड है ये चीज हमको हमारा मार्केटिंग टीम बताएगा, तो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव या मार्केटिंग हेड विल बिकम द स्पीकर, सिंपल है क्या? नहीं है। सेल्स रिपोर्ट उसके बाद लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या पहले लिख दो सेल्स रिपोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जिस्टिंग सेल्स रिपोर्ट, ये हमारे सेल्स मैनेजर या सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स हेड देने वाले हैं। फिर चेंजेस रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन यूनिट, ये हमारे प्रोडक्शन हेड देने वाले हैं कि आपल्याला प्रोडक्शन मध्ये चेंज करावे लागेल, जास्त लोक, जास्त मशीनरी पाहिजे। हर एक प्रेजेंटर किस किस टॉपिक पर बात करने वाला है वो लिखना है हमको, तो प्रेजेंटर को पहले ही बता के रखना है कि आपका टॉपिक ये रहने वाला है, टाइम ड्यूरेशन इतना रहने वाला है।
कॉम्पिटिटर्स पोजिशन इन द मार्केट, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा मार्केटिंग टीम बता सकता है कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, किस तरीके से सप्लाई मैच कर पा रहे हैं, राइट और रॉन्ग? यही फॉर्मेट में बनेगा, सिर्फ हमारे हेड्स ये चेंज होने वाले हैं, टॉपिक्स चेंज होने वाले हैं। देखो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इंक्लूड कर लिया है, सेल्स रिपोर्ट इंक्लूड कर लिया है, डिमांड कितना है वो इंक्लूड कर लिया है मार्केट का, प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड कर लिया है, सिंपल है क्या? नहीं है तो काफी चीजें हमने इंक्लूड कर ली है, क्वेश्चन आंसर सेशन इंक्लूड कर सकते हैं हम, टारगेट्स फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर इंक्लूड कर सकते हैं हम कि हमारा टारगेट क्या है अभी अगले क्वार्टर के लिए, कितना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है हमको। और फिर थैंक यू नोट, एकदम बेसिक एजेंडा टैबुलर फॉर्मेट में लिखना है, टॉपिक, प्रेजेंटर का नाम क्या है और उसको टाइम कितना दे रहे, बस रिकॉर्डेड बाय सो एंड सो पर्सन, उसका डेट, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग द एजेंडा नीचे, ऊपर डेट ऑफ मीटिंग, ये भूलना नहीं है। समझ में आया सबको? अब इसी का कंटिन्यूएशन मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाएंगे। चलो टाइटल लिखो मिनट्स ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग में फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले डेट, जिस दिन मीटिंग हुआ वो डेट, मीटिंग कौन सी तारीख को हुआ, देखो ऊपर 10th अक्टूबर मीटिंग का डेट डाला है, ठीक है। अच्छा आज 8 अक्टूबर है, बराबर राइट, 8 अक्टूबर को अपन ने एजेंडा बनाया कि 10 तारीख को मीटिंग लेने वाले, तो मिनट 10 तारीख का बनेगा, वेरी गुड। 10 तारीख का मीटिंग, सबसे पहले डेट 10th अक्टूबर 2021, त्याच्यानंतर लोकेशन, टाइम लोकेशन, ऊपर नीचे हुआ तो भी चलता है, ऐसा कोई लोड नहीं है। लोकेशन क्या था, मीटिंग हॉल, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, चलो लिखो। उसके बाद क्या है, टाइम, डेट, टाइम, लोकेशन, फिर एजेंडा, एजेंडा का क्या था, पीपल प्रेजेंट लिख दो, फिर एजेंडा लिख देंगे, ठीक है वो भी चलेगा, पीपल प्रेजेंट। पीपल प्रेजेंट, सेल्स टीम, मार्केटिंग हेड, प्रोडक्शन हेड, डायरेक्टर्स, पीपल प्रेजेंट या अटेंडीज, उसके बाद एजेंडा। एजेंडा क्या था, टू डिस्कस द इनएबिलिटी टू मीट या मैच द डिमांड ऑफ पैरासिटामोल ड्रग, ये आपका एजेंडा बन गया। इसके बाद एमओएम, यस और नो, तो सीधा कंटेंट चालू होएगा, बुलेट वाइज, बुलेट पॉइंट या पॉइंट नंबर 1, 2, 3 दे सकते हैं हम लोग। The sales team highlighted the growing demand, yeah, the marketing team highlighted the growing demand of paracetamol drug in the last 6 months. Sales team, yeah, sales expert, yeah, sales head presented the sales report of the last quarter. Production manager highlighted the issues concerning the production of paracetamol drug. Head of marketing department presented a report which highlighted the marketing strategies of the competitors in the market.
लुकिंग एट द ग्रोइंग डिमांड फंड्स या बजट वॉज अलॉटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. Suggestions to increase the production or suggestions to match the growing demand. Were made. मतलब मीटिंग में सेल्स टीम ने सेल्स रिपोर्ट दे दिया है, मार्केटिंग टीम ने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या चल रहा है दूसरे कॉम्पिटिटर्स का वो दे दिया है, प्रोडक्शन वालों ने अपना प्रॉब्लम हाईलाइट कर दिया है, फिर उस सब चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने बजट अलॉट कर दिया प्रोडक्शन वालों को कि एक्स्ट्रा आपको रिसोर्सेज मिलने चाहिए, जो भी पीपल प्रेजेंट थे उनसे सजेशंस लिए गए हैं. टारगेट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय 10% इन द नेक्स्ट क्वार्टर या बाय 20% इन द नेक्स्ट क्वार्टर. एक्शन टेकन रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय 25th of October 2021. खत्म. आपका MOM खत्म हो जाता है. चार पांच सेंटेंसेस में आपका MOM खत्म हो गया है. सेल्स वाले ने एक बात बोला, मार्केटिंग वालों ने, प्रोडक्शन वालों ने डिसाइड किया हुआ बजट की अलॉट कर दिया और बहुत सारा. अगला ETR कब सबमिट करना है? 15 दिन बाद. इतना ही बात करना है और फिर इसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट, जो भी आपका फॉर्मेट है, डेट. फिर उसके बाद एज पर द मीटिंग हेल्ड ऑन 10th ऑफ अक्टूबर एट द कॉन्फ्रेंस हॉल एट द कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ द XYZ फार्मास्यूटिकल कंपनी. एक्शन टेकन रिपोर्ट इज एज फॉलोज. या द एक्शंस रिपोर्टेड आर एज फॉलोज. नंबर वन, बजट हैज ऑलरेडी बीन allotted या received by the production department. Raw material purchase has been increased. New machinery has been ordered. नया मशीनरी ऑर्डर करना पड़ेगा क्या? नहीं, अपने वेंडर को. हम लोगों ने क्या क्या एक्शन लिया, सेल्स वालों ने क्या क्या एक्शन लिया, प्रोडक्शन वालों ने क्या क्या एक्शन लिया, बजट अलॉट किया था तो उससे परचेस चालू हो गया क्या नहीं हो गया. बजट अलॉट हो रहा है मतलब उससे कुछ नया परचेस करना है, नया रिसोर्सेस खड़ा करना है, तो एक्शन टेकन रिपोर्ट का पार्ट बनने वाला है. ये आपका ETR हो जाएगा. नेम एंड डेजिग्नेशन, सिंपल. विद दिस वी कंप्लीट मीटिंग. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था मीटिंग, बहुत इजी टॉपिक था मीटिंग. हार्डली 8-10 मिनट्स भी नहीं लगेगा अगर तीनों भी लिखने के लिए आ गए आपको 5 मार्क्स के लिए. अगर सिर्फ मिनट्स आता है या सिर्फ एजेंडा आता है तो उसको हार्डली 3-4 मिनट्स लगेंगे. तीनों आ जाते हैं तो कंटिन्यूएशन में रहेगा. बहुत ही आसान टॉपिक है अगर दोनों लेक्चर्स ध्यान से देखे हुए हैं. तीनों लेक्चर, सॉरी आज तीसरा लेक्चर था हमारा, तो कहीं पर भी कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला नहीं है. सिर्फ दिए हुए इंस्ट्रक्शंस हमको फॉलो करने हैं. इज दैट वेरी क्लियर एवरीवन? यस, आई विल स्टॉप द सेशन ओवर हियर. थैंक यू सो मच.